So hello children, welcome you all to class 10, topic light, reflection and refraction. So today is day 2. In the first lecture we discussed about light, some characteristics of light, reflection of light, laws of reflection and the numericals related to reflection of light, that is laws of reflection. So the next topic is mirrors. So mirrors, what are mirrors? Mirrors are actually the glasses which are coated with one special type of metal, that is silver, and produces a clear image, that are called mirrors. So basically there are two types of mirror. Generally hum ghar pe ready hote hain, hamare paas ghar pe mirror hai, hamari gaadiyon mein mirror hai, har jagah we are using these mirrors. To मिरर्स की एक्चुअली बेसिकली कितनी टाइप्स होती है? मिरर की होती दो टाइप्स. वन इज प्लेन विच वी आर यूजिंग एट आर होम, अनदर इज स्फेरिकल विच वी आर यूजिंग इन आर कार्स, इन टॉर्च, इन स्ट्रीट लाइट्स, राइट. सो देर आर नंबर ऑफ यूजेस फॉर दिस स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? एक्चुअली थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो इस वजह से उनका ज़्यादा यूज हर जगह नहीं होता, तो स्पेशली कहीं जगह पर ही यूज होते हैं. तो प्लेन और स्फेरिकल मिरर्स में हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, राइट? देखने में तो हमें पता ही नहीं लगता. तो आज हम समझेंगे इस चीज को कि सिर्फ बिना टच किए भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्लेन है, कौन सा स्फेरिकल है. और स्फेरिकल की भी आगे दो टाइप्स होती हैं, दैट इज वन इज कनकेव, अनदर इज कन्वेक्स. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दीज मिरर्स. तो मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स. One is plane, another is spherical. तो जैसा कि इनके नाम से ही क्लियर है, प्लेन एंड स्फेरिकल. तो प्लेन मीन्स जो उसकी वन साइड है वो क्या होगी? प्लेन. अनदर साइड इज पॉलिश्ड, राइट. जो ये लाइन्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं पॉलिश सर्फेस, ओके. और स्फेरिकल मिरर्स पे हम बाद में जाएंगे. तो प्लेन मिरर मींस हु सरफेस इज फ्लैट, वन साइड इज पॉलिश्ड. अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि व्हाई वी आर यूजिंग सिल्वर, क्योंकि बहुत सारी मेटल्स हैं हमारे पास, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, व्हाई वी आर स्पेशली यूजिंग सिल्वर. तो सिल्वर का हम यूज इसलिए करते हैं कि जो सिल्वर मेटल है दैट इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग कॉफिशियंट है दैट इज वेरी गुड. तो ये मिनिमम वी कैन से कि 90-95% तक जो लाइट इस पे पड़ती है इस सिल्वर के ऊपर, तो 90-95% को वो क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है. तो दैट्स व्हाई वी यूज सिल्वर मेटल. सिल्वर को भी ऐसे प्योर सिल्वर नहीं यूज किया जा सकता, क्योंकि प्योर सिल्वर आपको पता है बहुत कॉस्टली होती है, राइट. अननेसेसरली यूज हो जाएगा उसका. तो वो एक लेयर बना के, केमिकल बना के सिल्वर नाइट्रेट या उसकी लेयर करते हैं, उसके ऊपर रेड कलर के पेंट की कोटिंग कर देते हैं, कवर कर देते हैं उसको, ओके. तो प्लेन मिरर के अंदर हमें पता है कि कुछ इमेजेस बनती हैं जो हम घर पे डेली देखते हैं, जो डेली इमेजेस बनती हैं, हम घर पे रेडी होते हैं तो हमारे घर पे सब पे मिरर होता है, ओके. लेकिन आप कभी ऑब्जर्व करना, जो शेविंग मिरर होते हैं स्पेशली, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं. एक आप प्लेन मिरर यूज करो घर पे, एक शेविंग मिरर के सामने खड़े होकर देखो, तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा. क्योंकि जो शेविंग मिरर है वो हमारा दूसरा कोई मिरर, दैट इज कनकेव मिरर विच वी आर यूजिंग. तो प्लेन मिरर क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि जो इमेज बनाता है बच्चों वो दो ही बना, सेम बनाता है, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. इमेजेस दो ही तरह की होती हैं, वन इज रियल, अनदर इज वर्चुअल. जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड है, जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा इरेक्ट बनती है, ओके. तो दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. अनदर इज सेम साइज, राइट, सेम डिस्टेंस. मतलब जितना मिरर के आगे आप खड़े हो गए, अगर यहां पे 2 मीटर है तो पीछे इमेज भी 2 मीटर ही बनेगी. सेम डिस्टेंस एंड लिटरली इन्वर्टेड, लिटरली इन्वर्टेड, राइट. तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. हो गया,
अब आते हैं हम स्फेरिकल मिरर पे। स्फेरिकल मींस इसका नाम ही स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल जो मिरर है इसकी जो हम कह सकते हैं कि जो वर्ड का मीनिंग है किससे रिलेट करता है, स्फीयर से। स्फीयर को हम सब जानते हैं, तो स्फीयर पूरा तो हम यूज नहीं कर सकते, ओके कर भी सकते हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल पोर्शन दैट इज काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो स्फेरिकल मिरर्स कौन से होते हैं, मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। मतलब कैसे कि जो हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज करेंगे बच्चों, तो वो हमें दिखेगा कि वो स्फीयर का पार्ट है। जैसे कि मैंने एक बनाया ये, ओके और एक हो गया ये। अब ध्यान से देखो, अगर कंप्लीट करें तो इसको एक स्फीयर ही बनेगा। ये साइड इसकी पॉलिश्ड है, बाहर वाली साइड, इसकी अंदर वाली साइड पॉलिश है। तो इन्हीं पॉलिशिंग की वजह से, जो डिफरेंट साइड्स को हमने पॉलिश किया है उन्हीं की वजह से इनके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड कनकेव मिरर, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। तो डिफरेंस क्या आ गया बच्चों इसमें, डिफरेंस इज दिस ओनली दैट के कनकेव मिरर के अंदर जो अंदर वाली साइड है, अगर ये साइड मैं अपने हाथ को देखूं तो जो ये मेरी पाम वाली साइड है दैट इज कनकेव। अगर ये रिफ्लेक्टिंग है तो फिर ये कनकेव है, राइट। तो अगर ये बाहर की तरफ है तो दैट मीन्स दिस इज कन्वेक्स, कर्व्ड होना चाहिए, तो दैट इज कन्वेक्स। तो कनकेव मिरर क्या हो गया, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, सॉरी हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, सॉरी दिस इज डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, आगे इज कर्व्ड इनवर्ड मतलब अंदर वाली साइड, यस अंदर वाली साइड जो होगी वो रिफ्लेक्टिंग होगी, बाहर वाली साइड क्या होगी, पॉलिश्ड। दूसरी तरफ हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल ऑपोजिट है, इजी टू लर्न, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, मतलब बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है तो वो कनकेव, वो कन्वेक्स हो गया, दूसरा हो गया कनकेव। तो कनकेव मिरर के लिए एक स्पेशल नेम भी है, स्पेशल नेम कौन सा है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि कन्वर्जिंग का मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो रेज होती है उनको कन्वर्ज करता है, और कन्वेक्स मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर। तो आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं, वी स्टार्टेड विद द मिरर्स। मिरर्स क्या होते हैं, द ग्लासेस, टिपिकली ग्लासेस विच हुज वन साइड इज कोटेड विद अ मैटर स्पेशली विच इज हाईली रिफ्लेक्टिंग एंड विच फॉर्म्स अ क्लियर इमेज। तो मिरर्स दो टाइप्स के होते हैं, प्लेन एंड स्फेरिकल। जब जो सरफेस है बिल्कुल फ्लैट है दैट इज प्लेन मिरर, व्हेन द सरफेस इज स्फेरिकल बेंड है थोड़ा देन इट इज स्फेरिकल। अब बेंडिंग में भी दो तरीके हो जाते हैं कि बेंडिंग में अगर अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है तो वो कनकेव है, अगर बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है तो वो कन्वेक्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, क्लियर है। तो इसके बाद जब हम स्फेरिकल मिरर्स को अब हम स्टडी करेंगे क्लास 10th के अंदर रिफ्लेक्शन के अंदर, इन दो मिरर्स को कनकेव एंड कन्वेक्स, वो अब साइड में हो जाएगा प्लेन मिरर। तो कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर ये बनाते हैं इमेजेस, राइट, ये है स्फेरिकल मिरर्स। अब क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर्स हैं तो इनकी अपनी टर्म्स होंगी, उन टर्म्स को हम वन बाय वन आज डिस्कस करेंगे, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रे डायग्राम्स, ऑल दीज थिंग्स, वो सारी चीजें इसी के अंदर आएंगी। तो लेट्स सी, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टर्म्स
related to spherical mirror. Terms related to spherical mirror. So for our convenience, we are using or we are drawing a concave mirror like this. राइट, कनकेव मिरर बनाया हमने. तो सबसे पहली टर्म, जो सबसे पहली टर्म है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अपर्चर. अपर्चर क्या होती है बेटा, कि हमें पता है कि ये हमारा एक स्फीयर है, लेकिन हमने स्फीयर का एक पार्ट यूज किया है, उस पार्ट को हम बोलते हैं कर्वेचर. इसमें हम यूज भी करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो बच्चों कर्वेचर का ही मीनिंग है दैट इज पार्ट ऑफ स्फीयर. तो ये हमारा कर्वेचर है. तो इस कर्वेचर का जो एक डायमीटर होगा, डायमीटर कहां पे, डायमीटर इस पॉइंट से लेके, अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं ए एस, तो ये जो पॉइंट है एक्स एक्स डैश, तो ये मेरा क्या है, अपर्चर. हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी लिख सकते हो, कर्वेचर भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा. दैट इज डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम यूज करते हैं. राइट, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम जब यूज कर रहे हैं इसमें, तो नेक्स्ट हमारा आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल सी से. अब अगर आप ध्यान से देखो तो वी नो दैट दिस इज अ स्फीयर और सर्कुलर फॉर्म. तो उस स्फीयर का, उस सर्कल का एक सेंटर भी होगा. राइट, ऑब्वियसली होगा, सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर के बिना तो सर्कल बन ही नहीं सकता. तो अब अगर ये पार्ट ऑफ स्फीयर है, कर्वेचर का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था पार्ट ऑफ स्फीयर. ये याद रखना है आपने, किसका मतलब है पार्ट ऑफ स्फीयर. कर्वेचर मींस पार्ट ऑफ स्फीयर. पार्ट ऑफ स्फीयर, राइट. तो अब क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ स्फीयर या सेंटर ऑफ सर्कल नहीं है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर द सेंटर ऑफ स्फीयर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ. मतलब ये जो स्फीयर का जो पार्ट है, अगर मैं उसको कंप्लीट करूं तो जो उसका जो सेंटर होगा वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहां पे सी हमने मेंशन कर दिया सी से. राइट, ओके. थर्ड आ गया पोल. पोल को हम डिनोट करते हैं पी से. पोल क्या होता है बच्चों, कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो सेंटर होगा इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसको हम बोलते हैं पोल. दैट इज सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज नोन एज पोल. राइट, ओके. नेक्स्ट है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं आर से. राइट, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. तो अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करूं बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये बन गया आर. राइट, दिस इज आर रेडियस ऑफ कर्वेचर. आई होप ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर. चलिए जी नेक्स्ट आ जाइए. फिफ्थ आ गया प्रिंसिपल फोकस. वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल फोकस को डिनोट करते हैं एफ से. इस एक्सिस के ऊपर कहता है, अगर इस एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी,
तो स्ट्राइक करने के बाद हमेशा एक कॉमन पॉइंट से होके जाएगी, उस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, राइट, डिनोटेड बाय एफ. द नंबर ऑफ रेज मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हम मैं यूज कर रहा हूं वर्ड यहां पे, अभी आपको बताऊंगा अभी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू वन कॉमन पॉइंट, राइट, इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल फोकस, दैट इज एफ. ओके जी, अब नेक्स्ट आ जाइए फोकल लेंथ. फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, वेरी इंपॉर्टेंट. फोकल लेंथ क्या होती है, एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन दिस पोल एंड फोकस, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ. वेरी सिंपल, लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड फोकस, और वी कैन से डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ. ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट आ गया प्रिंसिपल एक्सिस. तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बच्चों, एक्चुअली द लाइन कंटेनिंग सी एफ एंड पी, मतलब वो लाइन जिस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल तीनों लाई करते हैं, उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज सी से लेके पी तक, एक्सटेंडेड भी हो सकती है इस साइड से, राइट, जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, पूरी लाइन को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर उस पॉइंट पे सारे जो तीनों पॉइंट्स मिले सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड फोकस लाई करते हैं. ओके, तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से रे ऑफ लाइट जब पास आउट करती है तो हम उसको बोलते हैं कि इट इज नॉर्मल. व्हाई इट इज नॉर्मल, लेट्स सी, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, व्हाट आई मीन टू से, दोबारा से सुनो, कि जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से होके जाएगी और मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो वो वापस अपने पाथ को रीट्रेस करती है, मतलब उसी रास्ते से वापस आती है. क्यों आती है, क्योंकि ऐसा तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में किया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने एंगल पे इंसिडेंट रे आएगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी. अब जब नॉर्मल के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस पड़ जाता है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है नॉर्मल के ऊपर, तब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है, जीरो. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से क्यों, राइट, गेटिंग माई पॉइंट, कि नॉर्मल के ऊपर अगर इंसिडेंट रे आ गई, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल हम बनाते हैं, राइट, तो इंसिडेंट रे अगर इसके ऊपर आ गई तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया. एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया तो बॉडी जो रे है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी लेकिन वापस इसी रास्ते से चली जाएगी. तो ये तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करके प्रूव कर दिया था. बट व्हाई आई एम सेइंग कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इफ यू रिमेंबर क्लास 9 के अंदर आपने किया था कि व्हेन लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर था बच्चों आपको 9th में मैथ्स के अंदर, तो उसमें आपने किया था कि अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कोड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कोड, इफ यू रिमेंबर. तो उसी तरीके से जब हम कोई भी मिरर यूज करते हैं, राइट, तो मैंने आपको बताया था कि ये उसकी होती है अपर्चर, ये हो गया सेंटर, राइट, तो ऑब्वियसली अगर इस सेंटर से यहां जो लाइन जाएगी वो परपेंडिकुलर है, कहीं भी ड्रॉ कर दूं कहीं भी, तो वो हमेशा क्या बनेगी, परपेंडिकुलर ही बनेगी, राइट, तो परपेंडिकुलर बन गई मतलब ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल की तरफ हो गई, नॉर्मल हो गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, जीरो. बट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा यही कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो व्हाट वी कैन से, तो हम भी यही कहेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी जीरो. व्हाट आई मीन टू से
कि अगर स्फेरिकल मिरर में, अभी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ये अगर स्फेरिकल मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब रे कोई होके गुजरेगी ऐसे, तो वो वापस अपने रास्ते से यहीं से जाएगी, कहीं से भी आए अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से होके जाएगी तो वापस उसी रास्ते से निकल के जाएगी। बिकॉज रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम रे डालते हैं, जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर हो गई तो वो नॉर्मल के साथ आ गई, बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर। जब वो नॉर्मल के ऊपर आ गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। जब इंसिडेंट रे ही नॉर्मल के ऊपर आ गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस खत्म हो गया, जीरो हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, जीरो। राइट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, जीरो। ओके, तो सेम वे ये जो चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। राइट, तो अब जो रे डायग्राम्स इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके लिए चार रूल्स करने हैं हमें, रूल्स फॉर रे डायग्राम्स और इमेज फॉर्मेशन। फॉर आज हम डिस्कस करते हैं कनकेव मिरर पहले। राइट, तो कनकेव मिरर के चार केसेस हैं। कौन कौन से चार केसेस हैं, बड़े ध्यान से देखना। कहता व्हेन रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर ये हमारा मिरर हो गया, राइट, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया एफ। तो कहता अगर रे ऑफ लाइट आई, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके पैरेलल आई रे ऑफ लाइट, तो कहता वो कहां से होके जाएगी, फोकस में से। ये बच्चों हमने फोकस की डेफिनेशन में भी किया था, प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन में। राइट, दूसरा केस जो है इसका वाइस वर्सा है। कहता व्हेन रे पासिस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। अब कहता इसमें क्या था, रे पैरेलल थी, प्रिंसिपल फोकस में से होकर निकल गई। कहता अगर अब मैं रे इंसिडेंट करवाऊं फोकस में से, देन व्हाट विल हैपन। तो ऑब्वियसली भैया वाइस वर्सा है, तो जैसी करनी वैसी भरनी, तो फोकस में से होके जाएगी तो वो पैरेलल कर देगा, क्योंकि जब पैरेलल आ रही तो उसने भी फोकस में से भेजी, और फोकस में से आई तो फोकस कहता मैं पैरेलल कर दूंगा इसको। ठीक है, चलिए थर्ड, व्हेन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स ऑब्लीकली, ऑब्लीकली मतलब किसी भी एंगल पे जब स्ट्राइक करेगी तब क्या होगा, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। राइट, तो ऑब्लीकली का मतलब है ये, तो भैया जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे वो वापिस हो जाएगी, मतलब ऑब्लीकली मतलब किसी भी एंगल पे, पैरेलल की बजाय कभी ऑब्लीकली स्ट्राइक करवाओगे तो जितने एंगल पे स्ट्राइक होगी उतने एंगल पे ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लास्ट इज व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये बन गया F, ये बन गया C। तो कहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर वही जो मैं अभी आपको बता रहा था बच्चों, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से होके जाएगी तो वापस भी वहीं से होके जाएगी, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जब नॉर्मल के ऊपर रे ऑफ लाइट आ जाती है तो नॉर्मल के ऊपर आ जाने से क्या होता है भैया, कि वो सारा एंगल हो गया जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंस खत्म, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी खत्म। तो सब मिलके एक ऐसे जाएंगे, हाथ जोड़ के जाएंगे तो हाथ जोड़ के ऊपर उठेंगे। राइट, हाथ फैला के नहीं उठेंगे क्योंकि वो नॉर्मल के साथ आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे भी रिफ्लेक्टेड रे भी ये नॉर्मल है, तो तीनों मिलके ऐसे चलते हैं। क्लियर, सो ये हो गया रूल्स फॉर रे डायग्राम्स एंड द इमेज फॉर्मेशन। आई होप
All of you have understood about mirrors, plane mirror, spherical mirrors, concave mirror, convex mirror ho gaya. Then terms related to spherical mirrors and now the rules for ray diagrams. Ye char rule hain. Ek cheez hamesha yaad rakhni hai ki how many rays we need to form a ray diagram. That is, answer is 2. कम से कम 2 रेज हमें चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जब तक 2 रेज इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी, इमेज नहीं बनेगी, राइट? ये याद रखना है. तो 2 रेज वी नीड. सो आउट ऑफ दीज 4 यू कैन यूज एनी 2, कोई भी 2 यूज कर सकते हो, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट टॉपिक. आई होप यू अंडरस्टूड एंड एंजॉयड दिस वीडियो. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई यूट्यूब चैनल साइंस विद शेखर सर.